अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और आपके घरों में सब खैरियत से होंगे सब लोग। अच्छा, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं अपने स्टाइल की चिकन कढ़ाई, जो मेरे घर में बनती है। बहुत इजी रेसिपी है। तकरीबन 1 कप ऑयल है, इसे गर्म किया मैंने। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये ऑलरेडी गर्म है, तकरीबन मेरे पास बड़े साइज़ के 2 अनियन हैं, इन्हें हम फ्राई करेंगे। ये थोड़ी मसाले वाली रेसिपी है तो ये इतना ड्राई नहीं होंगे, ठीक है। तकरीबन 2 अनियन है, ये छोटे 4 ले लीजिए। इन्हें हम तकरीबन लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, फिर आगे आपको फर्दर इसका प्रोसीजर बताते हैं। उम्मीद है आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे घर का हर पकने वाला खाना आपके घर तक आता रहे। और इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी बहुत ईजी है, 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और आपको पसंद आएगी। तो ये थोड़े ब्राउन हो जाए फिर आपको इसकी रेसिपी आगे दिखाते हैं। अच्छा देखिए, ये प्याज तकरीबन लाइट गोल्डन हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन 1 टेबल स्पून, इसका अच्छे से थोड़ा सा अरोमा आ जाए। अदरक 1 टेबल स्पून, इसका काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें प्याज के साथ। इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, वरना पूरा जो है ना इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसी स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें चिकन और इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि ये थोड़ा इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसके जूसेस अंदर फील हो जाए और उससे इसका अरोमा इसके अंदर ही रहेगा। जब ये थोड़ा हाफ डन हो जाएगा या थोड़ा गोल्डन हो जाएगा फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। सिंपल मसाले हमारे घर के जो आप लोगों के घरों में भी यूज़ होते हैं, बाकी है कि टीका का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसे थोड़ा सा पकाते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका कितना और कुक करना है हमने। अच्छा देखिए, मेरा चिकन तकरीबन गोल्डन कलर का हो गया है। ये मेरे पास मसाले हैं जिसके अंदर 4 से 5 बड़ी ब्लैक इलायची है, उसके बाद 1/2 टीस्पून इसमें मेरे पास हल्दी पाउडर है, क्रश चिली पाउडर है 1.5 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मेरे पास है जीरा, ही हम इसमें शामिल करेंगे। और प्लस इसमें सॉल्ट है तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। अब इसे हम थोड़ा सा भूनते हैं। अच्छा आप देखिए, तकरीबन ये भून चुका है। अब हम इसे शामिल करेंगे टमाटर और ये हरी मिर्ची 2 कटी, ये तकरीबन बड़े साइज़ के 5 से 6 टमाटर हैं और इसमें मैंने पानी शामिल नहीं किया है। इन टमाटरों के पानी में ही चिकन को भूनेंगे और ये इसी में गलेगा और इसे एक थोड़ी भूनने के बाद इसे दम पे रखेंगे और जब तक इसका ऑयल नहीं निकलेगा तब तक इसे भूनेंगे। देखिए अभी इसमें पानी छोड़ेगा प्याज ये टमाटर और ये अच्छे से इसके अंदर अरोमा आएगा मसाले का और ये इसी के अंदर गलेगा। इसमें जीरे का फ्लेवर आएगा, गर्म मसाला साबुत है उसका फ्लेवर आएगा, लास्ट में हम काली मिर्ची या फिर उसके बाद ये कि गरम मसाला डाल के इसे फाइनल करेंगे। तो अभी तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे पकते हुए। इसमें अभी ढक के रखती हूँ, फिर आगे आपको दिखाते हैं। अच्छा ऑलमोस्ट ये मेरी कढ़ाई डन है, देखिए इसने ऑयल छोड़ दिया, इसका टमाटर गल चुके हैं और ये अच्छे से भून चुकी है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और 2-3 मिनट के बाद और आपको ये दिखाते हैं। इसमें थोड़ी सी मैं डालूंगी गरम मसाला, काली मिर्च मिक्स है ये मेरे पास। अब हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए अच्छे से भून गया, इसका पूरा ऑयल निकल के बाहर आ गया, ठीक है। ये इस चीज़ की निशानी है कि चिकन अच्छे से भून चुका है। इसमें तकरीबन 1/2 किलो के करीब टमाटर गए हैं। बहुत टेस्टी होममेड मसाले के साथ कढ़ाई है, इसमें कोई बेकार की चीज़ नहीं है। अब हम डिश आउट करते हैं। अच्छा देखिए, मेरी कढ़ाई
मैंने चिकन कढ़ाई बनाई, उसमें डिश आउट कर लिया। इसे गार्निश करेंगे इस तरह, जुलियन का अदरक है ये बारीक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च अंदर भी काट के डाली थी। अब आप इसे रोटी या तंदूरी नान किसी के साथ, तंदूर की रोटी घर की चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ईजी और आसान रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। और देखिए इसमें कोई बाजार का कोई पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया गया, बहुत आसान रेसिपी है नए और पुराने देखने वालों के लिए भी, और बच्चियां जो नई सीखना चाहती हैं उनके लिए भी। बड़ों को सलाम, बच्चों को प्यार, खुद भी खाइए दूसरों को खिलाइए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।